अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत कम बेसन में ज़्यादा लड्डू बनाने की रेसिपी, जिसको आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये देखिए, हमने 300 ग्राम बेसन में 1 किलो लड्डू बना लिए हैं आराम से। आइए, हमने इन्हें किस तरीके से बनाया आपको दिखाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए तो बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने 300 ग्राम बेसन लिया है। इसे हम छान रहे हैं डायरेक्ट कढ़ाई में। अभी इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही भूनेंगे। हमने लो गैस कर रखा है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे ऐसे ही भूनेंगे। ये देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे बिल्कुल धीमी आंच पे भुना है बिना घी के। और ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल बदल चुका है, ये वाइट वाइट हो गया है। और अब हम इसमें घी डालेंगे। और गैस अभी हमारा धीमा ही है। देखिए, अगर कभी घी कम रह जाए तो आप 1-2 चम्मच ऊपर से और डाल सकते हैं, जैसे मैं 1 चम्मच और डाल रही हूँ। ये बेसन के ऊपर भी होता है, कोई बेसन ज़्यादा, किसी बेसन में ज़्यादा घी लग जाता है और किसी में कम लगता है, वरना 125 ग्राम से ज़्यादा हमारा घी लगेगा नहीं। गैस को हम धीमा ही करेंगे और इसे भूनते रहेंगे जब तक इसमें एक बढ़िया खुशबू नहीं आने लगे। घी डालने के बाद इसे हमें आधा घंटा भूनते हुए हो गया है धीमी आंच पर, तभी बेसन के लड्डू अच्छे बनते हैं। जब उन्हें अच्छे से धीमी धीमी आंच पर भूनते रहो तो बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। और ये हमने दूध लिया है, आइए इसमें दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा। आइए इसको मीडियम आंच पर ऐसे ही भून लेंगे। अब हमने गैस को मीडियम कर लिया है, मीडियम से थोड़ा कम है और लो से ज़्यादा है, और इसे ऐसे ही भूनेंगे। देखिए, इसको हमने और भून लिया है। अब इसमें थोड़ा दूध और डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते रहेंगे और इसे भूनते रहेंगे। और इसे इस तरीके से, इसके पीछे से हम इसे जो इसमें लम्स है उन्हें निकाल देंगे इस तरह से कर करके। आइए, ये अच्छे से हमने भून लिया है और गैस बंद कर देंगे। देखिए, बहुत दानेदार हो चुका है ये। आइए लड्डू के लिए चाशनी बना लेंगे। आइए, हमने 300 ग्राम बेसन लिया था, 250 ग्राम हमने चीनी ली है और उससे आधा पानी डालेंगे। और अब इसमें चीनी डाल देंगे। और हमने 150 ग्राम घी लिया था। ये देखिए, थोड़े से हमने बादाम ले लिए, इन्हें कूट लेंगे। और ये थोड़े हमने मगज लिए हैं, इन्हें भी डालेंगे इसमें। ये अभी हम डाल देते हैं। और यह छोटी इलायची का पाउडर है 1 चम्मच, ये डाल देंगे। और चाशनी को देखना है हमें, बस हमें हल्का सा तार चाहिए चाशनी में, ज़्यादा तार नहीं रखना है हमें। आइए चेक कर लेंगे। ये देखिए, हल्का सा तार हो चुका है और गैस बंद कर देंगे। और इसमें अभी हम बादाम डालेंगे और इसे थोड़ा ठंडा करेंगे चाशनी को। ये देखिए, हमारा बेसन कितना दानेदार बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल अलग अलग खिला खिला। और इसमें हमने कोई कलर भी नहीं डाला, कलर भी कितना प्यारा आया है। और ये अब हम बादाम डाल देंगे इसमें, और चाशनी को हमने ठंडा कर लिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा।
ये हमने अच्छे से मिला लिया है और अब इसके लड्डू बना लेंगे। हमने एक हल्का सा तार लेके चाशनी बनाई थी, ये देखिए अब इसके इस तरीके से लड्डू बना लेंगे ऐसे दाब दाब के। आप इसी तरीके से सारे बना लें, हम इसी तरीके से सारे बना लेंगे। जरूर ट्राई करें, अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब